नमस्कार जोहार, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन जमशेदपुर में 31 जनवरी को करेंगे रोड शो और सभा। 30 सरायकेला में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 जनवरी को सरायकेला और 31 को जमशेदपुर में खतियानी जोहार यात्रा को लेकर रोड शो और सभा करेंगे। 30 जनवरी की सभा सरायकेला स्टेडियम में जबकि 31 जनवरी की सभा बिष्टुपुर गोपाल मैदान में होगी। सरायकेला में 30 को कार्यक्रम करने के बाद मुख्यमंत्री जमशेदपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 31 जनवरी की सुबह बिष्टुपुर परिसदन में प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं झारखंड में शराब की कीमत घट चुकी है। झारखंड में शराब की कीमतें घटी हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। दुकानों में अब नई दर पर शराब की बिक्री की जाएगी। छोटी बोतल की कीमत 20 रुपये तक की कमी हुई है। पहले जो शराब 210 रुपये में मिलती थी उसकी कीमत अब 190 रुपये होगी। पूरी बोतल की कीमत 80 रुपये तक की कमी हुई है। बियर की कीमत भी घटाई गई है। आपको बता दें कि राज्य के शराब से साढ़े आठ माह में यानी 12 जनवरी तक 1,446 करोड़ राजस्व मिला, जबकि 31 मार्च तक 2,310 करोड़ कमाई का लक्ष्य है। यानी शेष ढाई माह में 884 करोड़ की राजस्व उगाही होने पर ही लक्ष्य हासिल होगा। नई उत्पाद नीति के तहत पूरे वित्तीय वर्ष में 2500 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा गया था। रांची और जमशेदपुर में एयरटेल की 5G सेवाएं शुरू, 20 से 30 गुना अधिक मिलेंगी गति। पता चले कि मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। एयरटेल ने शुक्रवार से रांची और जमशेदपुर में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। बोकारो और धनबाद में भी जल्द ही 5G सेवाएं शुरू होंगी। खास बात यह है कि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपभोक्ता एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का मजा ले सकेंगे। वहीं आज से जियो की भी 5G सेवाएं रांची और जमशेदपुर में शुरू होंगी। तो वहीं 10वीं और 12वीं एग्जाम को लेकर के बात कर लेते हैं। झारखंड में घटेंगे बीते साल की तुलना में परीक्षा केंद्र, विद्यार्थी होंगे कई शामिल। जबकि झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 1400 केंद्रों पर होगी। जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसे लेकर जिलों ने भी जैक को रिपोर्ट भेज दी है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1,936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4,50,000 और इंटर में 3,50,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस वर्ष 100% पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अप्रैल में शुरू होगा, जबकि 15 जून तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं रांची के मोराबादी मैदान में दिखा टूसू का उल्लास। 250 फीट ऊंचा चौंडल बना आकर्षण का केंद्र। जी हां दोस्तों, दो वर्ष बाद रांची के मोराबादी मैदान में टूसू का उल्लास दिखा। राष्ट्रीय कुरमाली भाषा परिषद द्वारा आयोजित महोत्सव में ईचागढ़, बुडुतमाड़, सिल्ली, सोनाहातु, राहे, नामकुम आदि जगहों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। महिलाएं माथे पर चौटाल लेकर पहुंची, लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मोराबादी मैदान पहुंचे। चारों तरफ ढोल मांदर की गूंज थी, हर कोई रिक रहा था। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम महतो और डॉक्टर नीना महतो ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो वहीं अगली बड़ी खबर की जारी है, हेमंत सरकार का अनुबंध कर्मियों को बड़ा तोहफा, अस्थायीकरण समेत इन सुविधाओं को देगी लाभ। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्त में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और उड़ीसा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालयों से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक निर्देश दे दिया गया है। वे अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्टिंग की स्क्रीनिंग के जरिए ही सेवा शर्तों में एकरूपता लाई जाएगी, ताकि उन्हें अस्थायी बनाने पर विचार किया जा सके। राज्य सरकार अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने के साथ ही उनके लिए विशेष वेतन, सुरक्षा, उम्र सीमा और सामाजिक सुरक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। BCI की हस्तक्षेप के बाद वकीलों का हड़ताल खत्म, काउंसिलिंग के सदस्यों ने की सीएम हेमंत से मांग।
बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया बीसीआई के हस्तक्षेप के बाद शुक्रवार को राज्य के अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्यों से अलग रहने का निर्णय वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही 6 जनवरी से चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित हो गया है। राजभर में 33,000 अधिवक्ता 16 जनवरी से अपने केस में पैरवी कर सकेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग की ऑनलाइन आम सभा की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता काउंसिलिंग का अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने की थी। तो वहीं अगली बड़ी खबर की जानकारी है, टैक्स लिमिट को लेकर के 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, आम बजट से ऐसी है लोगों की उम्मीद। जी हां दोस्तों, संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता अधिक है। इसे लेकर आम बजट पर चर्चा में चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए। आम बजट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर सीए ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी और इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, साथ ही करदाता फ्रेंडली को अधिकारियों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जीएसटी एमएसटी स्कीम जरूरी है। वेतनभोगी वर्ग के टैक्स लिमिट को 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए रखना चाहिए। वहीं RCC के लिमिट को 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करना चाहिए। होम लोन में भी इंसेंटिव मिलने से रियल इस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं एक बड़ी खबर यह है, बड़का गांव में ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत, 20 घंटे तक सड़क जाम। बड़का गांव टंटवा रोड स्थित राजा बागी के पास गत रात्रि NTPC के ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार भोला महतो पिता स्वर्गीय छोटू महतो की मौत हो गई। मृतक बड़का गांव के सिकरी पंचायत के ग्राम चमगड़ा निवासी हैं। घटना के विरोध में 13 जनवरी की 9 बजे रात चमगड़ा चौक में सड़क जाम कर दिया गया, जो 14 जनवरी को 2:30 बजे तक अपराह तक जारी रहा। तो यह अगली बड़ी खबर क्या रही है, धनबाद में मकर संक्रांति पर बराकार नदी में उमड़ी भक्तों की भीड़। यहाँ दोस्तों, धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड अंतर्गत डाड में बरकार कर नदी किनारे बाबा नंदा महादेव के मंदिर में आज सुबह से ही मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों की भीड़ लगी है। भक्त बराबर नदी में स्नान कर बाबा नंदा महादेव के मंदिर में पूजा कर दान कर रहे हैं। परंपरागत रूप से मकर संक्रांति 14 फरवरी को ही मनाते चले जा रहे हैं, जबकि अधिकांश लोग रविवार को मनाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, रांची से नेत्रहार जा रही अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत। रांची से नेत्रहार जा रही कार अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे खाई में गिरी गई है, जिससे कार में सवार धनबाद निवासी 2 लोगों की मौत हो गई। शिवम सत्यम 19 वर्ष और आरसू बोस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार ऋषभ कुमार लोहरदंगा कुडू कर्ण मंडल धनबाद, राहुल शर्मा बलिया उत्तर प्रदेश व प्रीतम रजक धनबाद गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सूचना पर बिशनपुर पुलिस एवं गुड़दरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी को बाहर निकाला, जिसके उपरांत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर के बेहतर इलाज के लिए सदर गुमला रेफर कर दिया गया। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या आ रही है, गुमला के भाजपा नेता सुमित केसरी की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गुमला जिले के भाजपा नेता सुमित केसरी की शनिवार की सुबह मेडिकल अस्पताल रांची में इलाज के क्रम में मौत हो गई। 4 दिन पहले 2 अपराधियों ने सुमित केसरी का पालकोट स्थित ईट भट्टा से अगवा कर गोली मारने के बाद पत्थर से कुचलकर घायल कर दिया था। सुमित का मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उनकी मौत हो गई। सुमित की मौत से भाजपाइयों में आक्रोश है, गुस्साए लोगों ने पालकोट के समीप नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, 15 को धनबाद में होगी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा की तैयारियों को लेकर 15 और 16 जनवरी को धनबाद व बोकारो जिलों में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे व फाकू में बेसरा को दोनों जिला में जाकर समीक्षा करेंगे। बस इतना ही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के मौसम समाचार के साथ आ रही थी। उम्मीद है खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबर लेकर के मैं आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तो बने रहें JD मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।